वर्षगांठ समझो, एक वर्ष हुआ है हमारे आंदोलन को, और ये कानून वानून जो वापसी लिए है, ये आधी लड़ाई थोड़ा, ये लड़ाई तो अभी बहुत बाकी है। अभी तो जुकाम की दवा मिली है, लीवर किडनी बुखार बहुत सारी दवाइयाँ बाकी है, MSP पे कानून बना करके देंगे। हमारे 750 ज़्यादा किसानों की शहादत चली गई है, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, और हमारे जो ट्रैक्टर पे जो कानून उन्होंने बनाए वो वापसी होने चाहिए, बिजली बिल अमेंडमेंट है उसको भी करना है। तो बहुत सारी अभी किसानों की ज़रूरतें हैं, और लोगों को जो एक गुमराह कर रही है सरकार, क्या लगा MSP पे जो इनके प्रवक्ता है, अभी दो दिन पहले भी मैं मिला था, करी थी धुलाई उसकी अच्छी तरीके से, जो भी ये बोल रहे हैं, क्या लगा सरकार MSP पे सबकी फसल नहीं खरीद सकती, तो लोगों को गुमराह करने का काम न करें मूर्ख लोग, क्योंकि इनको शिक्षा का अभाव होता है, ये अंधभगत है, कुपड़ है ये। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बस जो कम से कम मूल्य है, इससे नीचे कोई ना खरीदे, सरकार जितना ले रही थी उतना ले लो, बाकी को उससे नीचे वो कानून बन जाएगा, उसके ऊपर बोली लगा के तुम उस तो हजार गुना ऊपर खरीदो, वो उससे नीचे नहीं खरीदा जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं सरकार के ऊपर क्या दबाव आएगा, उसके सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा। अब ये लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि राजनीति इनका टाइम आया है, स्टंट आया हुआ है, अभी चुनाव है, तो लोगों को गुमराह करेंगे, अभी थोड़े दिन में सब्सिडी भी देनी शुरू कर देंगे, ठीक है। इनका इलाज पूरा हो रहा, ठीक हो रहा, वैसे वैक्सीन हमने टेस्ट करी थी, वैक्सीन ने काम करा, 10-12 रुपये तेल पर भी घट गए, और उसके बाद जा करके वो ये बिल भी वापसी हुए, और जहाँ जब 2022 में इनको पूरी डोज दी जाएगी, तो पूरी डोज का मतलब ये कोरोना वाली वैक्सीन नहीं है, डाउट रहे बाद में भी भाई नया वायरस आ गया, काम करे ना करे, किसानों की जो वैक्सीन है वो पूरा काम करे, और वो हमारी कहाकार है, हमने देख ली 2022 में जहाँ हम देंगे फिर पूरी, तो पूरा काम करेगी, और कई साल लोग करेगी, फिर 2024 में दूसरी डोज दे देंगे, तो लाइफ टाइम काम करेगी वहाँ। तो हमेशा जो भी पार्टियाँ हैं वे किसानों के बारे में सोचेगी, क्योंकि आजकल मैं देख रहा कि कांग्रेस भी ये भी वो भी सब नु कह रहे हम किसानों के, भाई कांग्रेस ने कौन सिर नहीं फाड़े थे हमारे, वोट क्लब पे पिटे थे हमें ले जा गए हैं, भाई हमारे साथ कौन सी सरकार ने अत्याचार नहीं करा। सत्ता परिवर्तन हमारा ध्येय नहीं है, हमारा ध्येय व्यवस्था परिवर्तन, सरकार कोई भी हो किसानों के हित में काम करना चाहिए, किसानों के लिए काम करें, जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, पार्टियाँ कोई भी हो, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए किसान के लिए, किसान के हित में कानून बनाएंगे, किसान के लिए काम करेंगे, तो देश पे राज कर सकोगे, नहीं तो ये किसान तुम्हें पीट पीट करके इस देश से बाहर निकाल देगा। नरेंद्र मोदी बिल की वापसी की घोषणा कर दी, कैबिनेट से मंजूरी होगी, उन्होंने MSP एक कमेटी बनाने की बात कर दी, उन्होंने बोला कि हम छोटे किसानों के लगातार प्रयास कर रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं ला रहे हैं, फिर किसान क्यों नहीं। मैंने सोच रहा देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती, कमेटी तो 2011 में बनाई थी, उसके अध्यक्ष थे मोदी जी, उस टाइम नु कहते हैं MSP होनी चाहिए, तो अब कमेटी की क्या आवश्यकता है, वही कमेटी रख लो ना 2011 वाली, कर दो MSP पे कानून बना करके दे दो, क्या दिक्कत है, मोदी चुनाव का टाइम आ रहा, तुम्हें भी कुछ सहानुभूति मिल जाएगी, नहीं तो लोग आगे भी ना मानते, तो फ्लॉप हो लिए हैं। आप लोग C2+F1 के फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं, C2+50 पे सरकार ने A1+F1 के नया फार्मूला बना के किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी है 2022 में, तो उसके फार्मूले पे क्यों नहीं। 2022 हाथ हो गया, कितने दिन रह गए ना, करवा दो ना दोगुनी, भाई अभी तो जनवरी आ गई ना, दिसंबर तो आ लिया, जनवरी आ गई, करवा दो, देख लें कौन सा फार्मूला काम कर रहे हो भाई। गोली तो जुखाम, अगर बुखार की गोली लोगे तो बुखार को आराम करेगा ना, थोड़ा बुखार की अर्थ जाते, दूध रद की गोली तो बुखार में आराम कैसे कर देगी वह, तो कुछ कुछ भी देने लगे, ये कानून भी तो दिए थे इन्होंने, हैं कानून ना दिए थे इन लोगों ने एक साल में जा करके, तो ये मानना हम किसान है, कई हजार करोड़ रुपये आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी कहने में, देश का प्रधानमंत्री भी कहता आंदोलन जीवी है ये तो, परजीवी है ये तो, हैं बढ़िया बढ़िया नाम दी, यह मीडिया गोदी मीडिया जोन सी यहाँ घूम रही आज पनी हुई किसानों के बीच में, ये अय्याशी का अड्डा बताते थे, ये आतंकवादी बताते थे, ये नु कहते तो तालिबानी है, बड़े नाम देते थे ये लोग, आज इनका दर्द हो रहा जी भी ना बाइट नहीं देते लोग, नु कहे ये तो किसान तो हमारे से बात नहीं कर, गोदी मीडिया कौन है नाम लेके बताइए, तुम्हें पता घूम रहे हैं बतरे धक्के खाते फिर, एक काम करो ना सुनो, तुम एक साल से कवरेज कर रहे हो यहाँ भाई, खाड़े में पहलवान पहलवान की कुश्ती होती है, ठीक है, मीडिया मीडिया वालों की कुश्ती करवाना का चाहता हूँ मैं, तुम उनसे सवाल करो, नुकार तुम एक बात बताओ, नुको तुम आज से एक साल पहले इनको आतंकवादी खालिस्तानी अय्याशी गड्ढा बताते थे, नुको आज क्या तुम अपने इस्तेसी कराने आ रहे हो यहाँ, पूछो ना, जब तक तुम नहीं पूछोगे हम तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आप तो कर सकते हो, उन्हें तो कोई बात करने वाला चाहिए ना अपने TRP के लिए, तो आप बात करो, नुको मीडिया मीडिया की फाइट हो रही है भैया, बताइए आप पहले गलत थे आज गलत हो, किसानों से किसान गोदी मीडिया से डर रहा है क्या, नहीं हम कहाँ डरते हैं, हम तो इस चीज से डर रहे हैं कहीं वो पिट ना जाए, ऐसे किसानों में संटे ले रहे हैं, तेल लगा के ला रहा, क्या ना आर भी ला रहा, क्या मार दे, हम तो भाई तुम लिखट जाओ धीरे से, क्योंकि तुमने हमारे साथ अत्याचार कर रखा, क्योंकि उन्होंने हमारे इमोशनलों के साथ खेला है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है उन लोगों ने, और जिस आदमी के भावनाओं को ठेस पहुँच जाती है ना उसकी आत्माएं रोती है, जो इस मीडिया ने पैसे के चक्कर में दलाली के चक्कर में किसानों की मजाक उड़ाई है ना, ये किसान इसको कभी नहीं भूलेगा। एक चीज़ अभी एक रिपोर्ट आई है कि खालिस्तानी बताने के लिए उन्हें प्रोपेगेंडा फैलाने के कई सारे फेक अकाउंट बनाए गए थे,
किसानों को बदनाम करने के लिए। भाई ये तो इसका भाजपा का क्या काम है, आईटी सेल है। अब इसका इनका ही हुआ है सतपाल मलिक, उसने भी कहा था कि अल्लाह मुझे पता नाम ना खुलवाओ। तो ये तो सारा काम भाजपा का है, किया जा रहा है, क्योंकि इसने तो कहा था मैं रोजगार दूंगा। रोजगार किसको दिया इसने? रोजगार दिया इसने अपने उन चंद लोगों को जिन पे ये सुबह आईटी सेल का टेंडर दे देते हैं। ये लोग आईटी सेल दे करके वो फोटो वायरल करवाने शुरू कर देते हैं गलत सलत। फोटो आया था वो, मेरा भी फोटो है टिकेत साहब के साथ, ये है। हाँ हाँ ये रहा, ये फोटो है मेरा टिकेत साहब के साथ में। कैसा आप लोगों का अनुभव? ये 28 जनवरी की रात थी, हम यहाँ पे थे तो कई हज़ार सैनिक यहाँ इन्होंने लगा दिए, पूरा मारने का प्रयास किया, पीछे आरएसएस वाले, आगे आरएसएस वाले, तो वो माहौल कुछ और था। लेकिन हम बैठे हुए थे, हम तो एक कुर्बानी के लग रहा था कि भाई क्रांतिकारी को डर नहीं होता, अगर डर होता तो भगत सिंह शायद फांसी ना चढ़ता। तो हमें डर नहीं था, हमें तो क्या था, या तो आज मर जाएंगे या जीत जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पल मेरा नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज कर देगा, और वो डर का पल, जैसे कहते हैं लोग डर के आगे जीत है, लेकिन हम डरे नहीं थे, हमारे अंदर कोई भय नहीं था। हमने सिर्फ एक बात कही थी प्रशासन को, जो हमारे भाई है यहाँ पे, जो किसान भाई है 150-200 लोग थे, जो सरदार थे, इन लोगों को आप घर भेज दीजिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन लोगों की मनशा ये नहीं थी, उन्हें उनकी मनशा थी इन लोगों की पगड़ी उछालना, कत्लेआम करना, 84 के दंगे करना। तो वो चीज़ जब उस भावना से आहत हुए टिकेत साहब, जब पुलिस वाले के आंखों में आंसू आ गए, टिकेत साहब ने सोचा, क्योंकि हम तो लाइव देख रहे थे वहाँ, जब टिकेत साहब ने देखा, क्या लगा यार ये तो मेरे लोगों के साथ कत्लेआम मचाएंगे, तो वो भावनाएं, वो अंदर का दिल, वो उनके प्रति प्यार, किसानों के प्रति प्यार रोया था वो उस दिन। जिसको ये मीडिया बता रही है टिकेत अब रो रहा है, वो रो रहा है, उन्हें पता नहीं वो दो आंसू सैलाब ले, दो नहीं थे वो 100 आंसू थे, कितने रो रहे थे लोग बैठ के, हम भी रो रहे थे वहाँ पे, हम भी रो रहे थे। आज कहते रहो बिल वापसी, वो फसल और नस्ल दोनों को बचाया गया, क्योंकि सरकार ने तो नस्ल भी ख़त्म करनी थी, किसानों की फसल भी ख़त्म करनी थी। आज अगर यहाँ खड़े हुए हैं तो ये किसान की जीत ही समझो, लेकिन अभी किसान इलाज पूरा करेगा, गन्ने का भाव भी लेकर के जाएगा, 15 दिन का जो पेमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको भी लेकर के जाएगा, इससे पहले जाने वाला नहीं है किसान भाई, इलाज पूरा करा करके जाएंगे अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो। बिल वापसी पे लोगों का कहना है कि चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में तमाम राज्यों, इसलिए बीजेपी ने बिल वापस कर दी, अब किसान किस तरफ मुड़ेगा 2022 में? देखिए वो तो हर कोई जानता है कि चुनावी एजेंडा है, चुनाव के हिसाब से। अभी तो इन्होंने क्या काम करा, मोदी ने इधर से बिल वापसी ले लिए, उधर से ओवैसी से सीए एनआरसी सीए पे सवाल उठवा दिए, इधर से भाजपा कुछ फंडिंग करेगी, अपने वाले कुछ लोगों को जोड़ेगी, कुछ वैसे को जोड़ेगी, लोग गुमराह करेगी, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव ले आएगी। अभी 2022 का हिंदू मुस्लिम में दंगे करवाएगी, क्या वो क्या कहेगा रो करके मोदी, इसीलिए तो मैं ये वापसी नहीं ले रहा था बिल, देख लो कुछ समुदाय के लोग मेरे खिलाफ बैठ गए, 370 की डिमांड लेकर बैठ गए, एनआरसी सीए की डिमांड लेकर के बैठ गए, ऐसे करके रोएंगे मोदी जी, ठीक है, क्योंकि उनको सहानुभूति लेनी है। लेकिन ये देश की जनता जान चुकी है ऐसे गुमराह होने वाले नहीं है, ढंग बैठा के जाएंगे, इलाज पूरा दे के जाएंगे, जो गुजराती है उसे गुजरात भेजेंगे, और जो पाकिस्तानी है उसे पाकिस्तान भेजेंगे, हम हिंदुस्तान के वासी, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।